अगर हमने अभी जो पहले पढ़ा है एक पीपीई का लेजर बनाने का तरीका, जिसको आप कॉस्ट का लेजर भी कह सकते थे, यहां पर हम क्या लिखते थे, ब्रॉडन डेट के साथ ब्रॉडन, फिर हम एडिशन लिखा करते हैं, फिर हम यहां पर डिस्पोजल लिखा करते हैं। बाकी अगर एक से ज्यादा एडिशन है तो वो एक से ज्यादा एडिशन लिख देते हैं, और अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल है तो एक से ज्यादा डिस्पोजल भी लिख देते हैं, और अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ऐसी एक बात हमें पता होती है, यहां पर हमें कैरी डाउन आ जाता है। वो बात जो हमें पता है वो ये कि यहां पर ये जो अमाउंट आ रही है ना, ये वाली, ये कॉस्ट है, जो ऐसे बेचा है ना, ये उसकी कॉस्ट है। ये जो ब्रॉडोन आ रहा है ना, ये भी कॉस्ट है, और ये जो कैरिडोन है ये भी, मतलब इसमें से कुछ माइनस नहीं होता, ये ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट्स की। फिर हम एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर में क्या होता है, यहां पर हमारे पास ब्रॉडोन होता है, यहां पर वर्किंग करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, और यहां पर फिर हम करते हैं डिस्पोजल, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, और यहां पर हमारा कैरी डाउन आ जाता है। ऐसा ही कुछ तरीका पड़ा है। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड है, इसके अंदर कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, WDV होता है, या कुछ भी हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है फिर, और यूजेज मेथड भी हो सकता है, मतलब जो आपने अकाउंट्स बनाया है ना, ये किसी मेथड के मोहताज नहीं है, ठीक है? जिस जो मर्जी आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, ये अकाउंट्स ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। फिर हम एक डिस्पोजल का भी लेजर बनाते हैं, वो भी बना लेते हैं एक थोड़ा सा नीचे करके, डिस्पोजल उसमें हमारे पास एक, यहां पर हम लिखते हैं जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पर कैश, और यहां पर अगर लॉस आया, एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लो मेरे भाई, ये तरीकाकार हमने पढ़ा अभी तक, और इसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है। आज हम लेजर बनाने का तरीका चेंज करने जा रहे हैं, ना कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसा कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कोई भी हो, ये लेजर बन सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही अकाउंट जो हम नए तरीके से बनाने जा रहे हैं, वो भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कोई मर्जी है। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो कॉस्ट लिखा है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कॉस्ट है लेजर बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपना जो पीपीई का लेजर बनाओगे वो WDV पे बनाओगे। अब ये जो WDV मतलब कि बुक वैल्यू है, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, ये अकाउंट्स बनाने का तरीका है। देखिए ये जो ऊपर कॉस्ट लिखा हुआ है, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है? नहीं, ये अकाउंट्स में कॉस्ट पे बनाए हुए हैं। अब जो हम पीपीई का लेजर बनाने जा रहे हैं, लेजर WDV बनाने जा रहे हैं, तो याद रखें इसके लिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा होना जरूरी है, जो मर्जी हो। अक्सर लोग समझते हैं कि इसके लिए वो ना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन WDV क्या देता है, हम अकाउंट्स इस पे बना देते हैं, गलत हो जाता है। अकाउंट्स इस पे, इसके लिए स्ट्रेट लाइन भी ठीक है, WDV मेथड भी ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स जो मर्जी हो, और इसके लिए भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और WDV भी हो सकता है, एक नॉर्मली होता है WDV है। तो सबसे पहले हम ब्रॉडोन लिखते हैं यहां पर, एडिशन लिखते हैं यहां पर, डिस्पोजल
डिस्पोजल लिखते हैं यहां पर। एक और चीज यहां पर ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी इसी के अंदर ही लिखते हैं। आपको पता है डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होती हैं, एक डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू पीपीई। पीपीई क्रेडिट होता है किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से, ये वही तो चीज है। फिर कैरिड ऑन, पिछले और इस लेजर में मेन क्या डिफरेंस नजर आया? वहां डेप्रिसिएशन अलग लेजर में जाती है, यहां डेप्रिसिएशन एसेट के लेजर के अंदर आती है। ये वो वाजे फर्क है, एक हिडन फर्क भी है। ये जो ब्रॉडोन है ना, ये बुक वैल्यू है, ब्रॉडोन की बुक वैल्यू है, ब्रॉडोन की कॉस्ट नहीं है ये, ब्रॉडोन की जो आपने एसेट बेचा है ये उसकी भी बुक वैल्यू है। अब यहां पर आपको पता है बुक वैल्यू तो हर दिन की और होती है, तो डिस्पोजल की किस दिन की लिखेंगे? जिस दिन एसेट बेचा या साल की शुरू की? जिस दिन बेचा, वो साल की शुरू की बुक वैल्यू चाहिए होती है डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त। यहां पर जिस दिन एसेट बेचेंगे उस दिन उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और यहां पर ये क्या चीज है, ये कॉस्ट है क्या? ये भी बुक वैल्यू। तो लेजर बनाने का तरीका हो गया चेंज, बात समझ में आ गई? पिछले लेजर में और इस लेजर में फर्क का पता चला। पिछले लेजर में सारी चीजें कॉस्ट पे लेते थे, डेप्रिसिएशन का लेजर अलग होता था। यहां पर सारी बुक वैल्यू पे ले रही है, डेप्रिसिएशन एसेट के अकाउंट के अंदर आ रही है। अब आप कहोगे सर एडिशन किस पे लेंगे? एडिशन के बारे में आपने नहीं बताया, वो जिसने क्या खरीदा उसी पे आएगा दोनों केसेस में, क्योंकि वो भी नया नया एसेट है। ठीक होगी बात? जरा ध्यान से बैठना, ना भी बैठोगे क्वेश्चन तो मैंने जो आपको देने हैं ना, आज का दिन और कल का दिन आपके लिए ना आजमाइश का दिन है। आज क्यों? टेस्ट की वजह से। और कल क्यों? जो होमवर्क की वजह से। ये दोनों दिन आपके लिए आजमाइश के दिन है। और ये आजमाइश कटेगी कब? अगले दो दिनों में, मतलब जब मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये टेस्ट में आपका टेस्ट मिले वापस अभी ना मिले, क्योंकि वो तीन दिन का टाइम होता है वापस मिलने का, मैं आपको पहले ही कल ही टेस्ट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, या हो सकता है वो आप बताओगे कि टेस्ट पहले डिस्कस करें या होमवर्क पहले डिस्कस करें। जी अगली कहानी, इसके अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनता। अच्छा करोगे क्या उसका? डेप्रिसिएशन तो उसमें आएगी नहीं, डेप्रिसिएशन तो इसमें आएगी नहीं, तो बनेगा कैसे? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता क्या भला? सारी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती आ रही है, वो तो ऐसे में चली गई, तो अक्यूमुलेट किसको किया फिर? तो इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर होता ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट फिर दो ही लेजर बन सकते हैं, दूसरा कौन सा बनेगा? डिस्पोजल का। डिस्पोजल का मैं साथ वो भी नजर आना चाहिए आपको। यहां पर बुक वैल्यू आएगी, जो एसेट बेचा है ना उसकी बुक वैल्यू आएगी। फिर यहां पर क्या आता है? क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं, खत्म। अब आप इन दोनों में कोई खास फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वजह इसमें ये देखिए, इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसमें इसको माइनस करके लिख दिया, तो बात तो एक है। तो आप कहेंगे सर आपने पहले क्यों ये तरीका बताया, ये तो काफी आसान काम है, एक लेजर बच जाएगा हमारा। हमारी मर्जी नहीं चलती, स्टैंडर्ड की मर्जी चलती है। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई साहब आपने बुक वैल्यू का लेजर कब बनाना है, कब बनाना है? नंबर वन, आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस ना गिवन हूं और ना ही फाइंड कर सकते हैं, तब आप लोगों ने अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बना लेने हैं। कौन सी दो सिचुएशन बता रहा हूं? जब आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ना गिवन हो ना फाइंड कर सकते, अगर गिवन हो या फाइंड कर सकते हूं, फिर अकाउंट्स कॉस्ट पे बनाने।
क्योंकि आई गैप खुद नहीं बताता कि किस पे बना है, तो खुद बता दे तो फिर तो हमारी टेंशन खत्म, फिर जो कहेगा वो करेंगे। अदरवाइज कब बनाएंगे बुक वैल्यू भी अकाउंट्स? नंबर वन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसेस आर नॉट गिवन, गिवन ना हो। नंबर टू आल्सो कैन नॉट बी, और ना उसको फाइंड कर सकते हूं, कब फाइंड नहीं कर सकते और कब फाइंड कर सकते हैं, जब ब्रोडाउन एसेट्स की डेट ऑफ परचेज का पता हो ना तो फाइंड कर सकते हैं, पर अगर ब्रोडाउन के एसेट्स की डेट ऑफ परचेज का पता ही ना हो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ना बताई हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कब खरीदे थे? क्या बताया ऐसा? दो बातें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना गिवन हो नंबर वन, दूसरा फाइंड भी ना कर सकते हो, तब फाइंड नहीं कर सकते जब ब्रॉडोन एसेट्स के डेट ऑफ परचेज का ना पता हो। अगर उन एसेट्स की डेट ऑफ परचेज का पता चल जाए तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो सकती है, तो उस दिन से लेकर इस साल के शुरू तक हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। तो कैसे? व्हेन डेट ऑफ परचेज ऑफ ब्रॉडोन एसेट्स इज नॉट गिवन, डेट ऑफ परचेज का ना पता हो, अगर डेट ऑफ परचेज का पता है ब्रॉडोन एसेट्स का तब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बन सकता है। ठीक होगी बात? इसकी मैं एंट्रीज भी आपको बता दूं क्योंकि एंट्रीज में भी तो मसला आएगा, एंट्रीज में भी तो मसला आएगा। तो एंट्रीज में क्या मसला आएगा? पहली एंट्री एसेट के खरीदने की, पीपीई डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, पीपीई डेबिट बैंक या कैश क्रेडिट। नंबर टू डिस्पोजल का कैश डेबिट, क्या अक्यूमुलेटेड जैसे डेबिट करूंगा? वो तो है ही नहीं, पीपीई क्रेडिट बट कॉस्ट से नहीं बुक वैल्यू से। पुरानी एंट्रीज याद है सबको? पुरानी एंट्रीज तो पता है ना कि क्या क्या आता है, फिर जो इसका डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा, अगर लॉस है तो एसपीएल डेबिट और अगर गेन है तो एसपीएल क्रेडिट। तीसरे नंबर पर क्या एंट्री होती है भला पता है? डेप्रिसिएशन की, और इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखी, ओके होगी बात? तो चलो फिर एक सवाल करते हैं। आसान सा सवाल है ये, नंबर तो चेक करो, पढ़ाया बहुत पहले, क्या कि 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2012 एंड 2013। मशीनरी का अकाउंट बनाना है, उसने ये नहीं बताया कि कॉस्ट पे बना रहे हैं या बुक वैल्यू बना रहे हैं, ये हमारी जजमेंट होगी। अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये क्या है? ये अकाउंट बनाने का तरीका है? नहीं, ये डेप्रिसिएशन का मेथड है, ये डेप्रिसिएशन का मेथड है। ऑन 1 जुलाई 2011 नेट बुक वैल्यू ऑफ लेजर स्टूड, नेट बुक वैल्यू आपके पास है 5,660,000। मूवमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, देखिए आपको इस डेट की बुक वैल्यू बता दी गई। अगर इस ये ब्रॉडन हो गया ना हमारे साल का, क्योंकि हमारा साल है 30 जून 2012 और 13,
अगर वो 5660000 एसेट्स की दाता के ये एसेट खरीदे किस दिन को थे, वो उस दिन से लेकर आज तक उसकी डेप्थ में फाइंड कर लेते, या बुक वैल्यू से कॉस्ट फाइंड कर लेते, और उसका जो डिफरेंस होता वो अक्यूमुलेटेड एब्सेंट होता। लेकिन कुछ नहीं बताया हुआ, देख ले उसने आज के दिन की बुक वैल्यू की डेट बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एसेट्स कब खरीदे थे। इसका मतलब है हम अकाउंट्स ले बुक कॉस्ट पे बना ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रोडन की कॉस्ट का पता ही नहीं। जी 1 अक्टूबर को अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज, अ सम ऑफ रुपीज 30,000 वाज पेड ऑन द सेम डेट एंड बैलेंस वाज पेड ऑन 31 मार्च 2012। तो ये भी हमारा ही साल है वैसे, 31 मार्च 2012, क्योंकि ये रेंट क्या है, कहता है अभी जो हमने 80,000 का एसेट खरीदा, 30,000 अभी दे दिए और बाकी हमने बैलेंस पे करना है 2012 के अंदर। एसेट की एंट्री क्या पास होगी, एसेट डेबिट। फिलहाल कितनी अमाउंट से करूं, 50,000 से, 80,000 से, या 30,000 से? 80,000 से, क्योंकि एसेट हमारा 80,000 से डेबिट होना है, क्योंकि एसेट की वैल्यू 80,000। क्रेडिट कैश होगा, पेबल होगा, वॉट एवर, ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर 2011, ये भी हमारा साल है, क्योंकि हमारा साल कौन सा है, 1711 से लेकर 30 जून 12, ये पहला साल है हमारा। कहते हैं अ मशीन दैट वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 200,000 एंड इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन 1 अगस्त 2009 वाज फुली डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। और इसे क्या बोलते हैं, या डिस्पोजल, सिर्फ बेचने को नहीं कहते, डिस्पोजल कहते हैं एसेट को अपनी बुक से निकालने को, डीरेकग्नाइज करना, एसेट खत्म करना अपनी अकाउंट से। तो डिस्पोजल है, अगर इंश्योरेंस मिल जाएगी तो डेबिट कर देंगे, नहीं तो जितने का एसेट पड़ा था सारे का सारा क्या हो जाएगा, लॉस। 1 फेब 2012, ये कौन सा किसका साल है हमारा, ये भी हमारा पहला साल है। सम ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है वह सोल्ड फॉर 20,800, डिस्पोजल आ गया। यहां तक हमारे साल हो एक साल है, 30 नवंबर 2012, ये अगला साल आ गया। अ मशीन इंपोर्टेड ऑन 1 जुलाई 2010 वाज डिस्पोज्ड फॉर रुपीज 63,000, द वैल्यू ऑफ मशीन 70,000 वेयर एज इंपोर्ट लेवीज अमाउंटेड टू रुपीज, वो कितने का हो गया एसेट, 75,000। हमने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट तो बनाते हैं, और ये तो बुक वैल्यू भी बन सकता है, बाकी वर्किंग में कोई चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन फाइंड करने में कोई चेंज नहीं है, वो स्टेप जो हम लिखते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स बनाते वक्त चेंज आ रहा है। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जनाब 23। क्वेश्चन का नाम है जनाब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं बताया हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। उसने लेजर ये की पूछा हुआ 1-7-2011 ब्रॉड ऑन, बताया हुआ है जनाब ब्रॉड ऑन, ये 5660000, ठीक होगी बात। तो ब्रॉड ऑन हमारे पास आ गया 5660000, एक एसेट हमने खरीदा 80,000 का, डेट क्या है बोला, 1 अक्टूबर 2011, 1-10-2011 कैश। अच्छा आप कहोगे सर 80, देखो जब हमने खरीदा नो डाउट आप यहाँ पर कैश और पेमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन हमने 2012 के अंदर अंदर पेमेंट सारी कर ही दी है, तो वो वैसे तो यहाँ पर ओरिजिनली क्या आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो उधार थी ना, कैश 30 और पेबल 50, लिखना सही है।
अब 2012 में दो एसेट बेचे हैं, दोनों को बुक वैल्यू पे लिख रहे हैं, एक ही डेट ऑफ सेल है 5 दिसंबर 11, डिस्पोजल, और दूसरे की डेट है 1 फेब, ओके होगी बात, क्या कॉस्ट पे लिखना है या उनकी बुक वैल्यू पे? तो भाई साहब हमारे पास तो बुक वैल्यू फाइंड करने का बड़ा शानदार तरीका है, फॉर्मूला लगाओ, बुक वैल्यू फाइंड करो। आओ जरा, सबसे पहले ये खरीदा था 1 अगस्त 2009 को और बेचा है 1 दिसंबर 2011 को, बुक वैल्यू फाइंड कर लो। क्या है, खरीदने वाला साल भी पार्शल और बेचने वाला साल भी पार्शल, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारा 30 जून ईयर एंड है, ईयर एंड कौन सा है, तो जब 1 अगस्त 2009 को खरीदा होगा तो पहला साल एंड हुआ होगा 2010 में, कब 2010 के कितने महीने बनते हैं, 6 महीने बनते हैं, 1 अगस्त से लेकर 2009 11 महीने, 2010 तक, फिर 2010 से 11 एक साल, और हमारा साल कौन सा बनता है, इसका मतलब है ये कितना टाइम बन गया, 2010 तक 11 महीने, ये तो आज जान कही जा रही जी, 5 महीने, 5 दिसंबर है ना, और साल में पूरा बनता है कितने, एक साल बन गया। तो लो जनाब, वैसे आप ये डायरेक्ट निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपने फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा लें, और जरा फार्मूला की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी, 1 माइनस आर की पावर टी, 1 माइनस आरटी, कॉस्ट कितनी है, 2,10,000 कैसे आई, वो इंस्टॉलेशन भी ऐड करनी है, 1 माइनस 0.15, टाइम कितना है, 11/12 इंटू 0.85 लिख दूं, कोई इतराज तो नहीं है, पावर 1, 1 माइनस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 5/12, लो जी 1 4 3 4, लो जी 1 4 3 4, डायनो की बात। अच्छा, आप दूसरे मेथड से पता कैसे करना था, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी फार इसको ही 1/9/18/2009 को हमने एशर खरीदा 2,10,000 का, तो पहला ईयर एंड हुआ 30 जून 2010, कितने फीसद डेप्रिसिएशन लगा ली थी, मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय इतनी आ रही थी डेप्रिसिएशन 2,8875, माइनस किया तो कितनी वैल्यू आ गई, 1,811,25, फिर साल एंड हुआ 30 जून 2011, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी कितनी, 27,169, बुक वैल्यू कितनी आ गई, 1,539,56, और ये 1 अगस्त 2011 को ही बेच दिया, 1 दिसंबर 2011 को बेच दिया, तो कितना टाइम बनता है, 15% मल्टीप्लाई बाय 5/12, 9672, लो जी आपके पास बुक वैल्यू आ गई कितनी, 1,44,34, आगे वो वैल्यू, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगली बात, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाए,
कहता है एक एसेट आपने बेचा जो 1 जुलाई को उसकी बुक वैल्यू है, इसकी तो डेट ऑफ परचेज का पता होना भी जरूरी नहीं है। यानी 1 जुलाई 2011 को 20,000 है और हमने बेचा किस दिन, 1 फेब को, इसको मजीद कितना डेप्रिशिएट करना है 7 मंथ के लिए, क्योंकि 6 महीने तो इस साल के हो गए ना, और 1 महीना अगला, तो करो जरा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% 7/12 कितना। अक्सर लोग जज्बात में आकर जल्दी में आकर 18,250 नहीं, ऐसे बुक डेप्रिशिएट बता ना, कुछ लोग ना जल्दी जल्दी में आकर जो डेप्रिशिएट फाइंड होती है ना वही बुक वैल्यू समझ लेते हैं, ये तो डेप्रिशिएट फाइंड ही है ना, तो 20,000 में से 1750 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 18,250। तो दूसरा डिस्पोजल जो आपका है वो गया 18,250। लो जी यहां पर 30 जून 2012 को एक डेप्रिसिएशन लिख देंगे, हमारा सवाल हो गया। लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करने का वही तरीका है जो पुराना है, क्या तरीकाकार पड़ा है डेप्रिसिएशन फाइंड करने का, वही ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन की कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, गिवन ही बुक वैल्यू है, डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। तो आओ जरा फाइंड कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2012, ये मैं बाद में यहां रेज कर दूंगा। सबसे पहले ब्रॉडोन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ब्रॉडोन की बुक वैल्यू तो मेरे भाई ये वैल्यू पड़ी है, ये ब्रॉडोन की बुक वैल्यू है 5,660,000। हमें डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए कौन से टाइम की भला, साल के शुरू की 153,956। अब फार्मूला भी लगाओगे ना तो ये फैक्टर निकाल के जो बुक वैल्यू फाइंड करोगे वो आएगी। ये दूसरे मेथड का फायदा है, लेंथी है, लेकिन इसमें सारी चीजें फाइंड होके पड़ी होती हैं। तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू, सॉरी डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस 153,956 माइनस 20,000, वो दूसरा एसेट की बुक वैल्यू ही इसी दिन की है, ये देख लें, वो कहता है 1,720,000 इसकी बुक वैल्यू है ही उसी दिन की, मल्टीप्लाइड बाय 15% कितनी वैल्यू आ गई 8,22,8,22,90। लो जी फिर डिस्पोजल, एक डिस्पोजल है 153,956 का, रेट है उसका 15% और टाइम है उसका 5/12 9,622। दूसरा डिस्पोजल है जनाब हमारे पास 20,000 का, मल्टीप्लायर बाय 15% मल्टीप्लायर बाय टाइम कितना उसका 7/12 1,755। एक एडिशन भी तो है 80,000 वाला, मल्टीप्लायर बाय 15% मल्टीप्लायर बाय क्या टाइम बनता है 1 अक्टूबर से टाइम काउंट करना शुरू करो 1 अक्टूबर से 9/12 कितना। लो जनाब आपका 1 साल पूरा हो गया, तो क्या डेप्रिसिएशन रह गई थी ना, इसका टोटल कर लो 8,432,779। काम हो गया हमारा,
843279 30th जून 12 कैरी ऑन, इसका टोटल बताया कितना आता है? 574 574 0000। लो जी कैरी ऑन बता दे, ये भी माइनस कर दें, ये भी तीनों 47 3 4 1 3 1 3 7 ये चेक कर लीजिएगा एक दफा, सब यही है ये। लेकिन ये अभी एक साल है, दो सालों के बनाने और पेपर में आपने वर्किंग तो जैसी बात अगले पेज पे कर रहे होंगे, तो ये चीज मैं यहाँ रेज करने लगा हूँ सिर्फ अगले साल की वर्किंग करने के लिए। हाँ जी जनाब आ जाए फिर फर्दर, जो पिछले साल का कैरी ऑन है वो अगले साल का ब्रॉड ऑन है 4734 13। अगले साल सिर्फ एक एसेट हमने बेचा है बस, और कुछ नहीं किया, और वो था कितने वाला? कहते हैं मशीन इंपोर्टेड ऑन 1st जुलाई 2010, उसकी डेट ऑफ परचेज कितनी है? 1st जुलाई 2010। तो उसको आपने 63,000 को बेच दिया, कब बेचा? 30th नवंबर को, ठीक होगी बात। तो कितने दिन बनते हैं 1st जुलाई 2010 से लेकर 11 तक? एक साल। 30th जून 2012 तक दूसरा साल, दो साल 5 महीने बनते हैं। चाहे तो बुक वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लो, और बेहतर यह है कि ढाई जो ढाई पौना सवा दो साल बनते हैं उसकी वर्किंग कर लेते हैं, आए जरा, ताकि वो हमारे बुक वैल्यू भी हमें मिल जाएगी साथ ही। जी जनाब एडिशन तो है ही नहीं, तो डिस्पोजल है। 1st नवंबर 30th नवंबर 30th नवंबर 2012 डिस्पोज। मैं यहां पर वर्किंग करने लगा हूं और फिर बाद में ऊपर पुट कर दूंगा। सबसे पहले खरीदा किस दिन था पता है? 1/7/2010 को 75,000। 30th जून 11 को पहला साल खत्म हुआ 15%, कितना? 11250। कितनी बुक वैल्यू आ गई? 63750। फिर 30th जून 12 को मजीद 15%, 95। कितनी बुक वैल्यू आ गई? 5 4 1 8 7 9 5 6 3 9 5 6 3। फिर आ गया जनाब 30th नवंबर 12 को मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 12। चलिए जी आ जाए फिर डिस्पोजल की वैल्यू लिख ले 50800। फिर आ गया 30th जून 2013 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वो एक पुराना तरीका, ये फिर आप मुझे करके दिखाएं क्योंकि सारा कुछ हुआ पड़ा है सामने आपके।
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जल्दी से फाइंड करके बताएं, कोई एडिशनल वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ रही आपको। सब लोग फाइंड करो जरा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। आ गया आपका कितना 7053 580 डेट बताई तो ये 30 नवंबर। ये अटेंडेंस शीट आपकी चली गई इधर ही है। क्या वो भी थोड़ी सी मॉनिटर करनी पड़ेगी, ये दो लोग छुट्टियां करते हैं। जी दोबारा बताइएगा कितना 705 3 चलो जो ज्यादा वैल्यू प्यारी है वो लिख देते हैं। एडिशन तो उसमें है नहीं, सबकी डेप्शन ये आ गई, अगर नहीं आई तो मैं फिर फाइंड करवाता हूँ। अगर सबकी ये है तो फिर ओके, नहीं तो मैं फाइंड करवाता हूँ। नहीं है और किसकी नहीं है ये वैल्यू, 2-4 रुपए का ऊपर नीचे फर्क है, आपकी नहीं है, आपकी भी नहीं है। ओके अगर क्लोज तो कर लोगे ना, कैरियर तो फाइंड कर लोगे ना इसका, आओ जरा इसको फाइंड कर लेते हैं। लो जी मैं यहां पर ही फाइंड करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या तरीकाकार होता है। ब्रॉडऑन में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू, तो ये जो अमाउंट पड़ी हुई है ना यहां पर आपको नजर आ रही है, ये ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू है 473413, क्योंकि है ही बुक वैल्यू पे बांधा, तो ये बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए हमें साल के शुरू वाली, जो हमने ये फाइंड किया ना 50,800, ये नहीं चाहिए, साल की शुरू वाली बुक वैल्यू ये पड़ी हुई है 54187, ये है साल के शुरू वाली बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितनी वैल्यू आ गई 70993। फिर उसके बाद डिस्पोजल होता 5, वैसे मैं डेफिनेट भी फाइंड की हुई है 3387, तो भाई लेख कर करना है तो वो भी देख लो, 187 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी अगर आपके पास ये वर्किंग थी तो, बस ये दोनों को प्लस करें तो ये आना चाहिए आपका, क्योंकि एडिशन तो है नहीं। ठीक होगी बात, क्लियर। चलो जी ये तो था कि हमने अपने अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बनाने, और सही वाली प्रैक्टिस सिर्फ एक सवाल में, इंसानों वाली प्रैक्टिस, और जो बाकी सीए वालों के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ, कल जो आपने ना करने है ना सवाल वो बता देता हूँ, और फिर एक सवाल और हम मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपने करना है, ये हमारा हो गया ना सवाल, ये तो टेस्ट में ही हो गया था।
26, 26 इसमें आपको ना अक्यूमुलेटेड डेप्थ लेजर का लेजर बना दिया है और डिस्पोजल का भी बना दिया है, और आपसे कहता है कि इसको इंफॉर्मेशन को देकर ना आप कौन सा लेजर बनाओ। अच्छा मुझे बताओ, वैसे ही डर्नल कॉन्सेप्ट है, बताएगा कौन? ये अकाउंट्स हम कॉस्ट पे बनाएंगे या WDV में? मेथड की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स। इस सवाल के अंदर उसने कहा सिर्फ व्हीकल का कौन बनाओ, जैसे इस सवाल के अंदर भी तो उसने कहा था सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का कौन बनाओ। इस सवाल के अंदर वो कहता है कि व्हीकल का कौन बनाना है, तो बताओ आप बुक वैल्यू पे बनाओगे या कॉस्ट पे बनाओगे? दो आप बुक वैल्यू पे बनाओगे, रीबा आप किस पे बनाओगे? आप कॉस्ट पे बनाओगे, इजा आप किस पे बनाओगे? कॉस्ट पे। इजा आपने भी कॉस्ट पे बनाना है। फातमा बुक वैल्यू पे बनाएंगे? मुदस्सिर बुक वैल्यू पे बना दोगे? कामरान कॉस्ट पे बनाओगे? उमर कॉस्ट पे? कॉस्ट पे बनाओगे? जमीर बताओ ना, कॉस्ट पे बनाओगे ये बुक वैल्यू पे? बनाना सिर्फ व्हीकल का कौन है? हाँ साकिब, बुक वैल्यू पे। और अल्लाह दे वलियो अक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर बताया हुआ है, तो ये बुक वैल्यू पे कैसे बनाओगे? तो प्रेफरेबल कौन सा तरीका बना सकते हो, मान जाएगा, लेकिन प्रेफरेबल मेथड कौन सा है? और जब अक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर गिवन हो उसकी वैल्यू या फाइंड कर सकते हो, तो अकाउंट्स कॉस्ट पे बनते हैं। बुक वैल्यू के लिए क्या तरीका है? ना अक्यूमुलेटेड डेप्थ गिवन हो, मतलब ना उसका बैलेंस गिवन हो, ना फाइंड कर सकते हो, इसमें तो पूरा पूरा लेजर बना के दिया हुआ है, तो हम अकाउंट्स किस पे बनाएंगे? मैंने इसलिए कहा कि नहीं, आप आपको बुक वैल्यू का तरीका भा जाए और आप बना के ना जाए। 27 में फिर वही एक मशीनरी का अकाउंट बनाना है। सवाल पढ़ के ये उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है, और बताई क्या हुई है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट। ये मेथड ऑफ डेफिनेशन नहीं बताया हुआ, ये रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब ये बुक वैल्यू बताई हुई है, और आगे तो सवाल है ना, एडिशन से डिस्पोजल, बताओ ये अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? ये बुक वैल्यू पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो बुक वैल्यू गिवन है उसके एसेट्स की अगर डेट ऑफ परचेज का बारे में बता देना, तो फिर भी हम कॉस्ट पे चले जाएंगे। तो कल के लिए आप ये दो सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 और 20, और दोनों में काम आसान था। ऊपर वाले में दो लेजर उसने खुद बनाकर दे दिए हैं, एक आपने बनाना है, और 27 के अंदर आपने 2 सालों के लिए 2009 से लेकर 30 जून 2011 के लिए मशीनरी का अकाउंट बनाना। ठीक होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट। दो सवाल ये हो गए। अच्छा बाकी एक सवाल हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये जो मैं बता रहा हूं ना कि जब डेट ऑफ परचेज बताई हो तो उसकी अक्यूमुलेटेड फाइंड हो सकती है, बस उसके बारे में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आपकी आजमाइश थोड़ी सी कम हो जाए। मेरी आजमाइश आज विंडो वाले ने शुरू की हुई है, अभी हुआ भी सारा, अभी एक्सपायर हुआ है और अभी से उसने मुझे याद दिला। अच्छा एक सवाल ये वैसे करते हैं, ये तो कर लिया ना हमने, इसको वैसे ये कोई ओरिजिनल सवाल तो नहीं है, अभी ये करना भी नहीं था हमने, अब थोड़ा सा टाइम है ना, मैं कहता हूँ जाया ना करें, वो आजमाइश आपकी मैं रहने देता हूँ। ये सवाल कर लेते हैं, कहते हैं अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट। जब वो लफ्ज एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करे ना, उसके पीछे दो मामले हो चुके होते हैं, या कोई गलती हो चुकी होती है उसको ठीक करना है, या कोई चीज भूल चुके होते हैं, तब एडजस्टमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करता है वो। जब भी एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्ट फाइनल अमाउंट के एडजस्टमेंट क्या कहते थे, या वो भूल गया, भूला होता था, या उसने गलत किया होता था, तो हम ठीक करते थे। अब ये वो कर चुका है,
ओल्ड कंप्यूटर स्टोर्ड इन द बुक्स ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2005। हुआ ये इंक्लूड इन द ट्रेड जर्नल हु ड्रॉ हिज अकाउंट्स अप टू 31 दिसंबर ईच ईयर इन वाइज 56,000 ऑन 1 जुलाई 2005। एक इनवाइस मतलब एक नया एसेट खरीदा। ये जो 1 जनवरी 2000 ये ब्रॉड ऑन है, ये क्या है? ब्रॉड ऑन है क्योंकि दिसंबर साल के एंड है ना। ये एसेट इनवाइस रेज करने का मतलब क्या, इनवाइस कब रेज होती है? वो जब कोई सेल पर चेंज होती है। कहता है द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स वर फाउंड, कहता है परचेज ऑफ अ न्यू लैपटॉप 80,000 का, लेस ओल्ड कंप्यूटर 12,000। हुआ ये कि हमने उसको बार पुराना कंप्यूटर हमने बेचा 12,000 का, तो टोटल हमारा 68,000 चला गया। लेस ट्रेड डिस्काउंट 8,000, 60,000 बस गया। लेस कैश डिस्काउंट 9,000, 51,000 बस गया। हमने एक कंप्यूटर एक डिस्केट जो भी लिखा हुआ है केटी आई ये कोई 5,000 की ये खरीदी, तो टोटल हमने कितना हो गया 56,000 की इनवाइस बनी। और हमने एंट्री पास कर दी, इनवाइस का मतलब है, इनवाइस रेज करने का मतलब है हमने एंट्री पास कर दिया 56,000 से। अब इसमें तो पुराना कंप्यूटर भी बेच रहे हैं, इसमें एक नए डिस्क भी ले रहे हैं, इसमें नया कंप्यूटर भी ले रहे हैं और एंट्री वो पास कर रहे हैं 56,000 की, तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये मामला ठीक है या नहीं? पहली बात तो कंप्यूटर डिस्क आपने ऐड कर दी है, क्या ये उसकी वैल्यू में ऐड होना चाहिए या नहीं? ये पुराना सवाल है। पुराने सवालों के अंदर ना कैश डिस्काउंट माइनस नहीं किया करते थे, लेकिन आपकी जनरेशन के अंदर कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। ये तो जो आपको जवाब मिलेगा ना वो गलत होगा, क्योंकि वो तब ठीक था, आपके हिसाब से गलत होगा। मैं वैसे तो जवाब दूंगा ही नहीं, लेकिन अगर किसी सोर्स से आपको मिल भी जाए, क्योंकि ये पास पेपर है सारे के सारे, तो अगर आपको कहीं सोर्स से मिल जाए तो वो जवाब ही गलत होगा। ठीक है, वैसे मैं अपडेट करके दूंगा आपको ये सारे सवाल जिसमें जो गलती है। हाँ जी, तो अब आपने आप एंट्री पहले पास कर चुके हो 1 जुलाई 2005 को, डेप्रिसिएशन ही नहीं, वैसे सिंपल एंट्री पास की है। वो एंट्री क्या पास की है आपने? कंप्यूटर डेबिट किया होगा या ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये ओरिजिनल एंट्री नहीं है, ये तो गलत एंट्री है। हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर को किस अमाउंट से डेबिट होना चाहिए? 80,000 का था, ओल्ड कंप्यूटर को छोड़े क्योंकि एक्सचेंज नहीं कर रहा, एक्सचेंज क्या था तो फिर हम ओल्ड कंप्यूटर को एडजस्ट करते, उसकी अलग एंट्री पास करेंगे। हाँ जी जनाब, पहले मुझे बताएं हमने एसेट्स अपना कंप्यूटर के इस अमाउंट से डेबिट करना है 80,000 में से, ये 8,000 भी माइनस करेंगे और ये 9,000 भी माइनस करेंगे, तो हमारा कंप्यूटर जो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होगा वो कितनी अमाउंट से होगा? 63,000 से। डिस्क कितने से डेबिट होगी? 5,000 से। उसके बाद पहले सिर्फ इसको इतना कर लेते हैं, कैश हमारा कितने से क्रेडिट होगा? 68,000। जो ओल्ड कंप्यूटर हमारा है अब ये उसने बेचा है, इसकी तो एंट्री क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ, तो सिंपल कैश ऑफिस इक्विपमेंट कितनी अमाउंट से? 12,000। ओके की बात, ये एंट्रीज पूरी होगी हमारी। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास करनी है तो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 20,000 की बुक वैल्यू हमारे पास पहले पड़ी है ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, क्योंकि ब्रॉड ऑन के अंदर तो 12,000 भी होगा ना, ब्रॉड ऑन के अंदर तो 12,000 भी होगा ना, तो 12,000 को तो अलग से डेप्रिशिएट करेगी क्योंकि उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, तो थोड़ी सी वर्किंग देख ले डेप्रिसिएशन की। आपके पास 20,000 ब्रॉडन पड़ा था, उसमें से 12,000 निकालोगे और उसका 20% ले लो, कितनी अमाउंट? कितना? 1600। फिर 12,000 को आप 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला? 1/7 को हो रहा है ना सारा काम, ये कितना आ गया?
1200, फिर एडिशन, एडिशन कितने का बोला 63,000 मल्टीप्लाइड। हाँ, अगर हार्ड डिस्क उसी कंप्यूटर का एक पार्ट होता ना तो हम उसको ऐड करते, ये तो एक एडिशनल चीज है। तो जब कोई एडिशनल चीज आप लगाते हो ना, ना उससे एफिशिएंसी बढ़े, ना लाइफ बढ़े, ना तो उसको हमने क्या करना होता है, अलग ही रखना होता है। तो अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक एडिशनल चीज है, तो 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना लॉ जनाब, ये इसकी डेप्रिसिएशन। आप कंसीडर यही कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बताया हो ना तो हम ये सोचेंगे कि जितने का वो एसेट था उतने के बेच दिया, अगर बता दिया जाए तो फिर जैसे बात उसको फॉलो करें। लो जनाब, मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपका टेस्ट देना भी एक आजमाइश है और आज का होमवर्क भी आपके लिए एक आजमाइश है। ये बड़े अच्छे सवाल है, दो या तीन और अच्छे सवाल रह गए बस, बाकी फिर वही पुराने सवाल जो आप बार बार करी जा रहे हो। तो जो लोग अब रिज्वाइन किया है वो भी जरा ध्यान से, बल्कि ध्यान से नहीं, बड़ी स्ट्रगल से एफर्ट करके अपने पिछले लेक्चर्स पूरे करें और एज अर्ली एज पॉसिबल यहां तक पहुंचे। ठीक है जी, ओके जी।